लो जी असी हो गया तैयार ते हुण असी चले आ जी चंगी गल करन क्योंकि असी जा रहे हां चंगी एयरपोर्ट दिखाने थानू चंगी एयरपोर्ट दे नजारे क्योंकि उत्थे जेड़ा ऑफ कोर्स ज्यूल मॉल हैगा है, वह बहुत घेंट आ। नेवर यूज दिस वर्ड बाय द वे। एनीवे वधिया है वो। सो वील चेक दैट आउट, थोड़ी शॉपिंग करांगे। चलो जी सारा कुछ चेक हो गया, लफाफा डब्बा छड़ के जा रहे हैं असी क्योंकि साडे बैग च है नहीं फालतू की जगह। चंगा मारा चेंज इन प्लान। IMM जो यहाँ का आउटलेट स्टोर है, जैसे लंदन का बीस्टर स्क्वायर है जिसकी वीडियो आप बाय द वे आई बटन पर आप देख सकते हैं, वहाँ मैं आ गया हूँ। तो चलिए, ये मुझे ऑलरेडी मिल गया है माइकल कॉर्स का स्पेशल प्राइसेस, देखते हैं क्या है। पहले मैं सोच रहा हूँ कोच आउटलेट जाऊँ, देखता हूँ ट्रॉली बैग अगर बढ़िया मिल जाए कोई। सो यू हैव गेस हियर फरोस्की, कोच के दर्शन कराते हैं अंदर से। अति सुंदर कोच लोगो, 23,000 के बैग्स हैं आफ्टर डिस्काउंट, ये 50% है। ये वाला देखिए, समझ लो ये है 800 का ना, तो 400 SGD। सो ये जैकेट है 583 की, यानी लगभग 40,000 रुपए की। कोच स्टोर रिव्यू, तो यार मेरे को तो महंगा लगा बीस्टर स्क्वायर से वहाँ, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं थी, यहाँ वैरायटी काफ़ी थी बट फिर भी मुझे लगा कि महंगा है। मे भी आज मैं उस मूड में ही था, मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं है आज, मुझे हर चीज़ ऐसी लग रही थी यार ये तो बड़ी महंगी है। दिस आई रिमेंबर 8,000 से 10,000 रुपये की टी शर्ट्स थी 20 स्क्वायर में, तो यहाँ भी उतने की है। MK का ऑफर ये है कि एक लोगे तो 50%, दो लोगे उस डिस्काउंट प्राइस पर 15%, और वो दो वेरिएबल पर, और एक और कुछ एडिशनल डिस्काउंट वगैरह मुझे समझ नहीं आ रहा। दिस इज 800, सो दिस विल बी 325 बाई टू थिंग्स। अब जैसे ये वाला है, ये मेरी एक फ्रेंड ने US से 5,000 रुपये का लिया हुआ है, ये 22,000-23,000 रुपये का दे रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट। तो मोटा मोटा लूट ही मचा रहा है। अब आगे हम सीके, देखिए ये है $229, 30% का इस पे ऑफ, $269, 30% का इस पे ऑफ। ये टी शर्ट्स, ये आफ्टर डिस्काउंट मोटा मोटा 5,700 रुपीज़। चड्डा शॉपिंग, आई लव इट, सीके के चड्डा एंड दिस, आई मीन वर्कआउट आउटफिट है, वैसे मैं चड्डा चड्डा बोल रहा हूँ। बनैन सोच रहा हूँ एक साइज छोटी ले लेता हूँ। इन कपड़ों का ये बड़ा अजीब है, कुछ कुछ मैंने ऐसे पेट अलग ही दिखता है, इतना है नहीं मेरा, मैं नहीं उठा के दिखाऊंगा। फाइनली मैंने वो टाइट्स भी ले लिए ताकि मुझे 3 आर्टिकल्स पर ऑफ मिल जाए। वैसे 50% बाकी दो पे है, इस पर भी कुछ परसेंटेज है, 3 होंगी तो 10% एडिशनल मिल जाएगा। सुकुमा का आउटलेट है और इधर न्यू बैलेंस है, दीज आर अदर, यहाँ भी एक कोच है इस फ्लोर पे, दिस इज द सेकंड फ्लोर बाय द वे, बट इस भीड़ देख लो। चार्ल्स एंड कीथ, टर्न्स आउट ये जो है ये ऑफ के बिना वाला सेक्शन है, $85.9 का है बिफोर डिस्काउंट। ये जो है ये ऑफ वाला काउंटर है, अब ये $80 का है, इस पर 20% डिस्काउंट है। सो चार्ल्स एंड कीथ का सीन ये है कि यहाँ बिना डिस्काउंट वाला भी बहुत सस्ता है कंपेयर टू इंडिया। आई रिमेंबर मैंने अपनी बहन के लिए एक बार बैग लिया था और फिर मुझे किसी ने बताया यार कि सिंगापुर में इतना सस्ता होता है, और वो सच में वो बैग हाफ प्राइस पे था यहाँ पे बिना डिस्काउंट के, और इस वाले आउटलेट पे कोई वैरायटी नहीं थी। तो मैं अब एयरपोर्ट वाले चार्ल्स एंड कीथ पर चेक करने वाला हूँ और फिर जो महिलाओं के ऑर्डर है वो लेने वाला हूँ। लेकिन पहले पेट पूजा, या खाने के बड़े ऑप्शन है यार, बिकॉज ऑपोजिट सम मॉल। बर्गर किंग पे एक ही वेजिटेरियन बर्गर है, और उसने मुझे डिस्क्लेमर दिया कि वो सेम किचन में बनता है सेम इक्विपमेंट के साथ। एयरपोर्ट की ओर निकल चुके हैं, प्लांट वॉपर खा रहे हैं। भाई से मैंने पूछा कि यार खा सकता हूँ, सड़ा खाओ मजे करो। चांगी एयरपोर्ट पर एक मॉल है जिसका नाम है ज्यूल, जो अपने आप में टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्यों दिखाता हूँ। एंड दूसरी बढ़िया चीज अबाउट दिस इज इसके बीच में से ही वो शटल ट्रेन जाती है जो आपको टर्मिनल 2 पर पहुँचाती है, तो वो भी अगर आपकी पिक्चर्स में आती है तो बहुत बढ़िया लगेगा। इसका तीसरा व्यू पॉइंट फॉरेस्ट वैली, ऑलमोस्ट सेम बट यहाँ पर हरियाली थोड़ी ज़्यादा है। उस्ताद जी बाढ़ आ गई, बचा लो उस्ताद जी। ओ अच्छा, मॉडिफाई कराया यार। जी हाँ, यहाँ का चार्ल्स एंड की बहुत बेहतर है। दो बैग्स मैंने उठा लिए, एक मम्मी के लिए और एक अपनी महिला मित्र के लिए। राजा जी, तो पैसे वसूल हैं दोस्तों, और बिना डिस्काउंट के, यहाँ पर बाय द वे कोई ऑफर नहीं है, बट ऑफ कोर्स एज आई सेड बिना डिस्काउंट के भी यहाँ काफ़ी अफोर्डेबल बैग्स हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। थैंक यू।
अब जो जो मैंने सिंगापुर से खरीदा उस पर दिया हुआ टैक्स एज अ टूरिस्ट मैं रिफंड करा सकता था एट द एयरपोर्ट। मैंने वही किया। फॉलो मी टू फाइंड आउट हाउ आई डिड इट। तो मेरा सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। मैंने कहाँ कहाँ कितने की परचेज की थी, कितना मुझे रिफंड आया, तो मुझे टोटल $13 का रिफंड आया। अप्रूव भी हो गया, मैं सेशन अब एंड कर सकता हूँ। इमिग्रेशन करा ली है, जैसे आते हुए ईजी थी वैसे जाते हुए भी ईजी है। इसके बाद अब मुझे कैश मिलेगा GST वाला। लोग दिल्ली के टर्मिनल 3 के कारपेट को इतना हेट देते हैं, ये गंदा दिखता है, भद्दा है। यहाँ के कारपेट को देखो, फंगस लगी हो जैसे। बट इनकी छत कॉम्पेंसेट कर देती है।